क्रिकेट बोर्ड ने करनी थी वो बांग्लादेश की टीम ने कर दी है। पाकिस्तान की क्रिकेट का आईना दिखा दिया कि हम कहां पहुंच गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम शायद शुक्रगुजार होगी कि हो सकता है इंडियन टीम जो है इनकार कर दे पाकिस्तान आने से। ऐसी हरकत इन लोगों ने की है, वैसी हरकत तो अनपढ़ लोग भी नहीं करते। अब माफी मांगने का क्या फायदा है? देख लो तुम लोगों की हरकत की वजह से तुम्हारे परिवार का नहीं सारे समाज का और सारे देश का मुंह काला हो रहा है। तुम लोग हमारे दिलों के साथ खेल रहे हो यार। ये हमारे पास था मैच, ये हम जीत सकते थे यार। हेलो आईसीसी, पूछना ये था कि वो जो मैं तीसरे से नामे पे आया था, अब मैं कई नामे से 19वें पत्नी चला जाऊंगा, वो मेरे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अब जो सुनामी आया है मतलब पता तो था ही सबको कि ये होने वाला है। लगता है पाकिस्तान क्रिकेट की कश्ती भवन में फंस चुकी है। 10 रुपये रिक्शा पकड़ो, घर जाओ, बच्चों के साथ गोटियां खेलना, जुआ खेलते हैं। वो अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। क्यों? अरे उन्हें मेरी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती ना। वाह बबर भाई वाह। बात ये नहीं है कि टेस्ट मैच हारे हैं, बात ये है कि हम बहुत बुरी तरह हारे हैं। हमारा क्या होगा भाई, पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा? हमारी क्रिकेट की जो औकात है ना, बांग्लादेश ने आज दिखा दिया। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ। मतलब आप अपने घर में बांग्लादेश से भी नहीं जीत पा? मेरा बस नहीं चाह रहा, मैं सर पकड़ के ना अपने दीवारों पे मारूं या फिर इनको मार दूं। मेरा इस टाइम दिमाग फट रहा है। मैं कह रहा हूं मैं ना इनको इन्होंने ये क्या किया है, ये क्या करना चाह रहे हैं? लाना तो है पाकिस्तानी टीम तो उन लोग पे, डूब के मर जाने का मुकाम है। तो आधा मैच अब वहां जीत चुके थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने कोशिश की कि हम ये मैच ना जीतें। यूजलेस परफॉर्मेंस, थर्ड क्लास परफॉर्मेंस। ये बंदा कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के मुल्क में कोई टीम क्रिकेट खेलने आए ना। बेचारे पाकिस्तान वाले थोड़ा सा खड़ा होते हैं, आप दे एल्बो, दे नी, दे हेडर। वाह वाह वाह, क्या मेरे दिन की शुरुआत भाई। बांग्लादेश के हार के सदमे में पाकिस्तानी इतने बौखला गए हैं कि आपस में ही मतलब गाली गलौज पे उतर चुके हैं। और तो और हद तो तब हो गई कि इसमें भी उन्होंने जैसा को बदनाम करना शुरू कर दिया। ये जरूर जैसा की चाल होगी, उसने ही बांग्लादेश को पैसे दिया होगा या फिर दबाव बनाया होगा कि तुम पाकिस्तान को जाके पाकिस्तान में पेलो, नहीं तो हम तुम्हें आईसीसी से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि जैसा आईसीसी का चेयरमैन बन चुका है, फलाना हो गया, ढिमक्का हो गया, मतलब कुछ भी जोड़े जा रहे हैं, इतने बौखला गए हार के सदमे में। देखिए फिलहाल इस वीडियो में पाकिस्तानी कैसे रो रहे हैं। टमाटर मारो, चित्तल मारो इन सबको, ये चित्तल खाने के काबिल है। ये है वो टीम जो यानी कि जिसके ऊपर हम लोग गुरूर कर सकें, जिसके ऊपर हम मान कर सकें। ये पाकिस्तान की टीम है, नंबर वन टीम है। ये पाकिस्तान की टीम से किसी काबिल नहीं है। इन सब को खत्म करके नई टीम बनाओ पाकिस्तान की, ताकि पाकिस्तान के यंगस्टर आएंगे उनको मौका दो। कोई जरूरत नहीं इन सबको रखने की पाकिस्तान टीम के अंदर। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम को रुलाने के लिए आए। आज पाकिस्तान की अवाम रोड ही है, जिसको मर्जी निकाल के देख लो रोड के ऊपर। आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लिटरली बता रहा हूँ, आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत ब्लैक डे है। इसी वजह से मैंने फिर ये शर्ट भी ब्लैक ही पहन लिया। मैं ये बात बड़े होशो हवास में आके कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने हर तरीके से देख लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हर आने वाले दिन में बुरे से बुरा कर रही है, बुरे से अच्छा नहीं, बुरे से बुरा कर रही है। वो बांग्लादेश जो आज तक हमसे कभी टेस्ट मैच नहीं था जीत पाया, वो बांग्लादेश हमें हमारे घर में आके वाइट वॉश करके जा रहा है। और हमारे घंटों ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है, पाकिस्तान का घंटा बजवाया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इंसल्ट हर तरीके से हो रही है, अब क्रिकेट में भी शुरू हो चुकी है। इनको शर्म नहीं आती कि आप लोगों ने आज भी पाकिस्तान क्रिकेट का मैं कहता हूं दी एंड कर दिया। हम क्या करें, हम कौन सी कौम है? हम एक स्ट्रगलिंग कौम है भाई। अगर पाकिस्तान की बात करूं तो हम एक स्ट्रगलिंग कौम है, उसके बावजूद हम क्रिकेट देखते हैं, उसके बावजूद हम टीवी लगाते हैं, उससे बिजली का बिल आता है। हम पूरा पूरा दिन टीवी लगा के रखते हैं, इनको इनका मैच देखना, उससे बिजली का बिल आता है। पाकिस्तान में बिजली के बिल कितने आ रही है, पाकिस्तानी इतने मुझे देख रहे हैं, उन सबको पता है। उसके बावजूद हम इनको देखते हैं, उसके बावजूद ये हमें उसी टाइम रुला देते हैं, हमारे दिल तो टूट जाते हैं। मेरी तो समझ में एक बात आ रही है, वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक दरखास्त लिखे और कहे कि जितने फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन है, हम अब उनमें कॉम्पीट करने की एबिलिटी नहीं रखते, बराए मेहरबानी हमें एसोसिएट ममालिक में जो है वो ट्रांसफर कर दें या एफिलेट ममालिक में ट्रांसफर कर दें, ताकि हम मुकाबला तो कर सके। रावलपिंडी में बांग्लादेश से ऐसे खेल रहे हैं जैसे पर्थ में ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो। हमने अपनी क्रिकेट को कहां ले जाके खड़ा कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल
देखिए बहुत बात की जा रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक सोच कैसे रहे, हम तो तबाह कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, हम खत्म कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को, हम डिसिप्लिन के नाम पे, हमें ये भी नहीं समझ में आता कि हम डिसिप्लिन इंप्लीमेंट कर रहे हैं या किसी का कैरियर तबाह कर रहे हैं, हमें डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करना कहां पर है और कहां पर डिसिप्लिन इंप्लीमेंट नहीं करना। इस टीम के ये दिन आ गए कि बांग्लादेश घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज हरा के चला जाए, सर ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बदतरीन कारकर्दगी अब तक की। बिल्कुल अब्दुल गफार, बड़ी शर्मनाक शिकस्त है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, क्योंकि आप देखेंगे अब ये वक्त आ गया, हमें अफगानिस्तान हराता है, हमें आयरलैंड हराता है, हमें यूएसए हराता है, हमें जो है वो बांग्लादेश हरा के चला जाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट जा कहां रही है। मेरी नजर में इसकी बुनियादी वजह यह है कि गैर मुस्तकिल मिजाजी, क्योंकि आप देखें आपके चेयरमैन बदल रहे हैं, कभी रमीज राजा होते हैं, कभी नजम सेठी होते हैं, कभी जका अशरफ होते हैं, कभी मोहसिन नकवी होते हैं, आप देखें आपके कोचेज बदल रहे हैं, आपके कप्तान बदल रहे हैं, आपके सिलेक्टर्स बदल रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आप भारत की मिसाल ले लें, वहां पर एक ही चीफ सिलेक्टर है, यहाँ तो कोई चीफ सिलेक्टर ही नहीं है, कौन जवाब देगा। वैसे तो जैसा का इसमें वास्तव में हाथ तो कोई है नहीं, लेकिन जिस तरीके से इनकी क्रिकेट है दिन ब दिन ये नीचे गिरते जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इनकी क्रिकेट परफॉर्मेंस को देखते हुए ऐसा जरूर लग रहा है कि एक दिन जैसा बोलेंगे कि भाई इधर आओ, और जैसे ही ये इधर आ गया इनके पिछवाड़े पे एक लात मारेंगे और बोलेंगे निकल दोबारा यहाँ नहीं आने का, क्योंकि इनका क्रिकेट अब जिम्बाब्वे के क्रिकेट के सामने भी जीरो हो चुका है। हालांकि ये जिम्बाब्वे से भी हारते आए हैं, आयरलैंड ऐसी टीम से हारते आए हैं, और इस बार तो बांग्लादेश ने घुस के इनका मतलब पूरा पेल ही दिया है। ऐसा पेल है कि इनको पूरी जिंदगी जब तक ये पाकिस्तान में खेलते रहेंगे तब तक इनको याद आता रहेगा। और दूसरी तरफ अब चैंपियन ट्रॉफी पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस देश में चैंपियन ट्रॉफी होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पत्रकार या फिर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जो बड़ी बड़ी डींगे हांक रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगा, मतलब इस परफॉर्मेंस वाले देश में चैंपियन ट्रॉफी होना चाहिए। मुझे तो लगता है पाकिस्तान को खुद आके आत्मसमर्पण कर देना चाहिए जैसा के सामने कि हमसे गलती हो गई, हमारे मुंह से निकल गया कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, आप प्लीज इस चैंपियन ट्रॉफी को कहीं और शिफ्ट कीजिए, हम चैंपियन ट्रॉफी करवाने लायक नहीं है, तब कहीं जाके पाकिस्तान की थोड़ी इज्जत बच सकती है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।